नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोले। दोस्तों, आज मैं एक अनाउंसमेंट के लिए आया हूं आपको सामने। तो मैं जो कुछ दिन पहले एक सैमसंग सिंगल कप वाला पैनल में एक SMPS जो हमारा CRT न्यूज होता है, ये पावर सप्लाई यूज करके जो शॉर्ट क्लीन शॉर्ट रिमूव कैसे करेंगे वो मैं दिखाया। मेरा पास अप्रोक्स 2000 व्हाट्सएप मैसेज और कॉलिंग भी आया है। बोला सर ऐसा हो सकता है? हम बोला हाँ हो सकता है, मैं तो किया है। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको ओम्स जो है वो शॉर्ट रिमूव करके दिखाया, वोल्टेज चेक नहीं किया, कोई पिक्चर नहीं दिखाया। इसीलिए मैं सोचा तो आप आज का जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा ये यूज कैसे करेंगे, कौन सा वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, सब कुछ डिटेल्स एक लाइव वीडियो में बनाया। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे, देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तब प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो अनाउंसमेंट है, आप ऐसा काम खुद करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हमारा जो ऑफिस में अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्क्रीन में शेड्यूल आ गया, आप देख लीजिए। और मुंबई में हमारा प्रोग्राम होगा, मुंबई में आप अटेंड करना चाहता है तो मुंबई के जो नंबर है स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करेंगे। और बांग्लादेश प्रोग्राम आपका अटेंड करार जन्य बांग्लादेश नंबर जो आगे। तो दोस्तों, आप वीडियो तो एंड तक देखिए। सैमसंग सिंगल कप पैनल यूज किया है, सैमसंग सेट है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ये जो पावर सप्लाई है। मेरा जो पहले वीडियो मैं अपलोड किया था उसमें आपको पिक्चर नहीं दिखाया, वोल्टेज नहीं चेक करके दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, जस्ट कैसे शॉर्ट रिमूव करेंगे वो दिखाया। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये मेथड अप्लाई करके, पिक्चर ऑन करके आपको दिखाऊंगा। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, मैं पहले ही आपको बताया। तो इसमें कोई जो स्केलर है वहाँ पर कुछ नहीं काम हुआ है, देखिए पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है। आपको मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ, देखिए है ना दोस्तों। अब देखिए कोई ट्रैक में कुछ नहीं कटिंग किया है, एक कस्टमर प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर लेके आया है, आप देखिए। तो इसको मैं आपको ओम्स चेक करके दिखाऊंगा, देखिए ये हटा दो मीटर को, मैं ओम्स चेक करके आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों। ओम्स में दीजिए, थोड़ा सा जूमिंग हटाना पड़ेगा नहीं तो आपको लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए राइट ओम्स रेंज में है, यहाँ पर वीडियो स्किप मत करिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट देखिए तब भी आपका अच्छा लगेगा और आप काम कर पाएंगे। ए सी के भी टू और सी के भी टू, ओम्स देख लीजिए सबसे पहले क्या ओम्स आ रहा है, 512 ओम्स आ रहा है। मीटर को थोड़ा सा लाइनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मीटर क्यों ठीक है। हाँ, यहाँ पर ओम्स देख लीजिए, पहले वो तो दिखाया, देखिए 512-13 ओम्स का अंदर है 500। और ये सी के भी वन और सी के भी वन में देखिए, सॉरी देखिए 9.3 मेगा ओम्स है ना। तो ये शॉर्टेज है, सबसे पहले तो आपको काटिंग करना पड़ेगा। एक बार आप वोल्टेज आके चला जाता है, ये भी देख लीजिए, वो देखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इसको काटिंग करूंगा। कटिंग करने के बाद शॉर्ट रिमूव करूंगा, आप एक बार देखिए वोल्टेज आके चला जाएगा, मैं आपको देख रहा हूँ। सेट लगाइए, कनेक्ट करिए इसको, जल्दी कनेक्ट कर दो, ठीक है। इधर ये भवन में ही शो करूंगा, कोई बात नहीं, भवन में मैं पीस भवन पॉइंट में रखा, अब देखिए देखिए पावर लाइट आया है, पावर लाइट आया है यहाँ पर, देखिए स्टैंड बाई तो रिलीज नहीं हुआ, इसको स्टैंड बाई रिलीज करना पड़ेगा।
स्टैंड बाई रिलीज कर दिया, देखिए वोल्टेज आके चला जाएगा, आके चला जाता है ना, फ्लैक्चुएट हो रहा है तो इसी कंडीशन में है। तो इसको मैं सबसे पहले काटिंग करूंगा, कहां पर काटिंग किया है वो भी देखाऊंगा, और शॉर्टिंग जो मेथड अप्लाई करूंगा वो भी देखाऊंगा, सब कुछ देखाऊंगा। आप पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों, स्किप मत करिए, कंप्लीट देखिए। तो दोस्तों देखिए मैं इसको पूरा काटिंग कर दिया, आप देखिए मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ कहाँ पर कहाँ काटिंग किया है। हमारा इसी साइड में शॉर्टेज है, मैं चेक कर लिया, चेक करने का टेक्निक मैं आपको दिखाया। देखिए इस पॉइंट में और इस पॉइंट में शॉर्टेज था, तो मैं पहले यहाँ से काटिंग किया, उसका बाद चेक किया। अभी जो काटिंग किया है देखिए, यहाँ से दोनों ट्रैक को मैं यहाँ से काट कर दिया, और ये जो ट्रैक आ रहा है ये सिंगल ट्रैक मैं यहाँ से काट कर दिया, ठीक है। अब अच्छे से देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट किलर यूज़ कर सकता है, और आपको कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ से एक वायर सोल्डरिंग करके बाहर निकाल लो, और ये दोनों शॉर्ट करके एक वायर बाहर में निकाल दो, उसका बाद आप शॉर्ट किलर यहाँ पर यूज़ करेंगे। नहीं तो इधर का इधर जहाँ पर शॉर्टेज नहीं है तो आप शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे तो आपको पैनल खराब होने का चांसेस है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट किलर जो शॉर्ट रिमूव करूँगा, कितना वोल्टेज अप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा, पूरा लाइव मैं आपको दिखाऊँगा, आप वीडियो एंड तक देखिए। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन रिपीट एवरीबॉडी, डू नॉट स्कीप द वीडियो, प्लीज़ वॉच कंप्लीट, यू विल सी मोर देन मोर नॉलेज इन दिस वीडियो, ओके। देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए मैं आपको इसका साथ साथ एक आसान तरीका भी मैं आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट हमारा दोनों एक ब्लेड मैं यहाँ पर रखा, इसका साथ देखिए यहाँ से जो दो वायर है सी के भी टू और सी के भी टू, वो आप जूमिंग में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए। दोनों वायर मैं यहाँ से सोल्डरिंग कर दिया, देखिए सोल्डरिंग किया है ना, उसका बाद यहाँ पर दोनों ब्लेड जो है ब्लेड में सोल्डरिंग कर दिया, काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आप जो शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे, जो वोल्टेज रहेगा कोई इधर का पॉइंट इधर में इधर हो जाएगा तो आपको कुछ दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा करके आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले इसको ओम्स देख लीजिए, एक मिनट देखिए, ये आपको मीटर है ना, ये हमारा मीटर पाव है, इस दोनों में रखिए, और यहाँ पर ओम्स देखिए, मीटर में देखिए ओम्स आ रहा है ना दोस्तों, 512 ओम्स का आ रहा है दोस्तों, देखिए ना, ये तो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस बार यहाँ पर मैं शॉर्ट किलर यूज करूँगा, वो कितना वोल्टेज है वो भी देखाऊंगा, सब कुछ देखाऊंगा, देखते रहिए दोस्तों, देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए ये सेम पावर सप्लाई है जिसमें मैं दिखाया, यहाँ पर टीसी लगा हुआ है, इसको मैं एडजस्ट करके रखा, और कितना वोल्टेज मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा वो आप मीटर में देखिए, यहाँ पर मीटर है ना, ये हमारा इसका पॉड है, अब देखिए इसका पॉव है, ये यहाँ पर रखूँगा, ये यहाँ पर है, और ये मीटर हमारा देखिए डीसी रेंज में है ना, स्विच ऑन करिए, इसको क्या वोल्टेज है एक बार आप देख लीजिए, क्या वोल्टेज है आप देख लीजिए, कितना वोल्टेज है, 91 वोल्ट हो रहा है ना, इसी वोल्टेज में यहाँ पर अप्लाई करूंगा, आप देखिए ये लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसा वीडियो आप यूट्यूब में पहले कभी देखा नहीं मैं उम्मीद करूंगा, और मैं आपको वादा करता हूँ ये वीडियो देखने का बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कमाई भी होगा। तो देखिए ये इसमें तो है, ये शॉर्टेज नहीं करूंगा, मैं जूमिंग करके इसी पॉइंट में रखूंगा, अब देखिए अब वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों कंप्लीट। और यहाँ पर टच करूंगा, स्पार्क भी हो सकता है, अब देखते रहिए, कुछ नहीं हुआ, स्विच चालू है तो कुछ स्पार्क नहीं हुआ,
तो हम एक बार देखेंगे इसमें वोल्टेज है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। थोड़ा वोल्टेज तो रहने का बात है, देखिए यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा। हाँ वोल्टेज है, 91 वोल्टेज तो है, देखा है ना। उसमें कुछ प्रॉब्लम फ्लैक्चुएट तो नहीं हुआ, लेकिन वो चला गया। उसका बाद मैं इसको हटाऊं, इसको ओम्स चेक करिए, देखिए ओम्स में क्या होगा। देखिए तो चेक तो करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ओम्स हट गया ना दोस्तों, देखिए ओम्स हटा, कितना ओम्स दिया है, शॉर्टेज है मेगा ओम्स में, मेगा 11 मेगा ओम्स ऐसा कुछ लीड दे रहा है। देखिए तो इस बार मैं ये ट्रैक यहाँ पर जो ओरिजिनल जो कनेक्शन था वो मैं कनेक्शन कर दूंगा, उसका बाद सेट ऑन करके देखूंगा। फिर देखिए दोस्तों कितना ओम्स है, देखिए शॉर्टेज खत्म हो गया। मैं इसको कनेक्ट करूंगा, आप देखते रहिए। दोस्तों देखिए ये जो दोनों वायर है यहाँ पर था, इसको मैं वहाँ पर ओरिजिनल शोल्डर ट्रैक में शोल्डरिंग कर दिया, आप देखिए। उसका बाद मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, देखिए दोनों पॉइंट में मैं शोल्डरिंग कर दिया ना, आप देखिए अच्छा से क्लियर देखिए। उसका बाद मैं सेट में पावर अप्लाई करूँगा, पावर अप्लाई करने का बाद मैं वोल्टेज चेक करूँगा, उसका बाद मैं आपको पिक्चर आया है कि नहीं आया है वो भी देखाऊंगा। तो ये भी एक टेक्निक देखाया, जिसका आंखों का प्रॉब्लम है काम करने के लिए, एज ज़्यादा हो गया उसी के लिए अच्छा होगा। तो चलिए इसको मैं हटाऊँ, तो इसमें देखो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करूँगा और क्या करूँगा, इधर रखिए मीटर को, इस लाइट को ऑफ करिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मीटर को वोल्टेज रेंज में है। एक मिनट, आप ग्राउंड का साथ कनेक्ट किया है और ऑन करिए, स्विच ऑन करिए, देखिए स्विच ऑन किया, बैकलाइट, बैकलाइट देखिए यहाँ पर है ना, कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखिए ना बैकलाइट चालू हो गया। तो उसको मैं सबसे पहले वीजीएच वोल्टेज मेजरमेंट करूँगा, आप देखिए यहाँ पर वीजीएच है, वोल्टेज आया है ना दोस्तों, वोल्टेज आया है, तो एवरीडी वोल्टेज देखिए ना, ये तो आपका एवरीडी नहीं है, एवरीडी यहाँ पर होगा, यहाँ पर एवरीडी वोल्टेज है 14 वोल्ट, ठीक है वही, ओके 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 ठीक है। तो ये वोल्टेज हमारा सब जनरेट हो गया, और वीजीएल वोल्टेज कहाँ गया, यहाँ पर वीजीएल वोल्टेज भी है, सब वोल्टेज जनरेट हो गया। तो हम इसको पिक्चर है कि नहीं है एक बार देखूंगा, ठीक है। देखिए इसी कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कैमरा को थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, देखिए इसको पकड़ो दोस्तों, आप भी बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। देखिए पिक्चर आया है, मैं मेनू पेश करूँगा आपको, मेनू कहाँ है, सेटिंग में, अरे काम तो नहीं, रिमोट काम नहीं कर रहा है, रिमोट भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए ये स्मार्ट टीवी है, इसमें डिस्प्ले आ गया, इसका रिमोट का कोई प्रॉब्लम है इसलिए काम नहीं कर रहा है, दूसरा रिमोट दीजिए, रिमोट, ये रिमोट तो खराब था मैं देखा, लोगो भी आ गया, इसकी बैटरी है इसमें, देखना पड़ेगा, एक सेकंड इसको बैटरी चेंज कर दो, देखिए ना दोस्तों क्या हुआ है भाई साहब, इसमें तो कुछ नहीं है, क्या से कहाँ बैटरी लगा है, दो उसको बैटरी दो, जल्दी दो जल्दी दो, टाइम वेस्ट हो रहा है, पिक्चर ऑन करके दिखाऊंगा। दोस्तों आप ऐसा काम खुद करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इसमें काम नहीं कर रहे हैं, रिमोट का काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, देखिए आया है ना, देखिए डिस्प्ले आ रही है, मैं आपको पिक्चर ऑन करके भी देखाऊंगा, आप चाहता है तो मैं पिक्चर ऑन करके देखाऊंगा, ये स्मार्ट टीवी है, इसमें थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आप ऐसा काम खुद करना चाहता है, सीखना चाहता है,
अपडेट होना चाहता है, मेरे ऑफिस में जो प्रोग्राम होता है उसी प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकता है। हमारा बांग्लादेश में प्रोग्राम होगा, बांग्लादेश टेक्नीशियन जो बांग्लादेश टेक्नीशियन जो बांग्लादेश नंबर जोगाजोग करूँ। मुंबई में प्रोग्राम होगा, मुंबई में मेरा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आप मुंबई में जो नंबर है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। आपको लाइक और शेयर मुझे ये ओरिजिनलिटी काम करने के लिए हमको इंस्पायर करेगा। मैं ऐसा वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।